पहले कुछ लड़के घूमने के लिए मोटरसाइकिल पर गए थे, दो तीन लड़के, तो उनकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। फिर उन्होंने धक्का मार के गाड़ी को स्टार्ट किया। फिर जब गाड़ी स्टार्ट हुई तब एक लड़के ने जब रुका था रहा कि गाड़ी स्टार्ट होगी फट दे से बैठ जाओ, तभी गुज्जर समाज के लोग आए और उनसे पूछ के झगड़ा करने लगे। तो आपको चोट कैसे लगी? मैं अपने खेत पर धान देखने के लिए गया था, तभी इन्होंने मुझे किसी झगड़े का नहीं पता था, उन्होंने आगे पूछा कि तुम कौन सी जात के हो। मैंने कहा मैं चमार हूँ। उन्होंने चमार गिट्टल कहते हुए मुझे पीट डाला। ये खेत पे भेजा था जी मैंने, खेत पे कुछ लड़के उधर से आ रहे थे आपस में, किसी बच्चे बच्चे बच्चों में झगड़ा हो रहा भाई, इसे तो पता नहीं है, इसे तो आगे सिर्फ पूछा जी। जैसे इसे पूछा भाई आप कौन हो, अभी जी मैं तो चमार हूँ। तो इसने कहा कि चमार हूँ। उन्होंने कहा पकड़ लो इस बेंचो। उसके बाद मेरे पास कॉल आती है, मैं तुरंत थाने में पहुंचा तो मैंने बात करी। मैंने बात करने के बाद पुलिस ने मुझे कहा कि इन्होंने लड़की की छेड़छाड़ का मामला है। मैंने कहा सर इसको संज्ञान में लीजिए, जांच कीजिए इस मामले की, लेकिन कोई जांच वाँच का कोई मामला नज़र नहीं आ रहा था कहीं से कहीं तक भी। तभी वहाँ भीम आर्मी के सभी महिलाएँ बहनें बड़े बच्चे सभी वहाँ पहुँचने लगे करीब करीब थाने पर। तो जैसे हमारे लोग अंदर आते गए और जिन भाइयों को चोट लगी थी हमारे में से उनके भी गार्जियन वहाँ पहुँचे, तो तभी पुलिस ने अपनी दबंगगिरी स्टार्ट कर दी, उनको थाने से बाहर निकाल दिया। तभी उसके बाद कुछ सैकड़ों की तादाद में गुज्जर समाज के लोग आए और पथराव स्टार्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने जातिक सूचक शब्द बोलते हुए उन्होंने पथराव स्टार्ट कर दिया, जिसमें वहाँ पर भी कुछ हमारी महिलाओं को चोट आई। फैसला कर रहा है इंगे लड़ाई लोंडे बुला। जैसे जिस तक हम बाहर आए हंगामा हो गया बाहर, तो उसने लेडीज के ऊपर भी पुलिस प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ ही उन्होंने पथराव करा चमारों पर, यानी के सारी सारी महिला भी छीती, सारे जितने हमारे आदमी थे दलित समाज के ऊपर, पूरे दलित समाज के ऊपर, मतलब जैसे हम पूरे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, पुलिस ने कोई नहीं मारी सुनी। मैं बाहर से आ रहा था हरियाणा से, और मैं 9 बजे की बात है बाहर से आया, तो देखा मैंने वहाँ पे थाने पे जो हमारे आदमी खड़े थे वहाँ पे, तो मैंने देखा मेरे हमारे भाई हर खड़े हैं वहाँ पे, मगर चलो मैं भी उतर के देख लूँ क्या बात हुई है। तो देखा तो गुजरों ने वहाँ पे हमलाबारी कर दी है, तो जिस टाइम मेरे पत्थरबाजी लगी तो मेरे को उन्होंने नहीं पता रहा मैं कहाँ पड़ा कहाँ नहीं, मेरे को नाले में छेद छेद है गिर के सुनी। आगे के लिए जो भी हमारे साथ अन्याय होगा हम अब जब पीछे नहीं हटने के, योगी सरकार में जो भी हमारे साथ अन्याय होता आ रहा अब जब वो अन्याय हम सहन नहीं करेंगे।